जब पारी महफिल में इस एक्ट्रेस के पीछे चाकू लेकर दौड़ गए थे संजय दत्त, पिता सुनील दत्त की गए थे नाराज। एक बार संजय दत्त ने अपनी को स्टार के साथ ऐसा सलूक किया कि देखने वालों ने दत्तों तले उंगलियां दबा ली। पारी महफिल में वो अपनी को स्टार को पीछे चाकू लेकर दौड़े थे। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त भले ही फिल्मी बैकग्राउंड से जुड़े हैं, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी अलग और ख़ास पहचान बनाई है। हालांकि नशे की आदत की वजह से वह सुखिया में बने रहे हैं, इसके साथ ही विवादों से उनका गहरा नाता रहा है। एक बार एक अभिनेत्री के साथ उन्होंने ऐसा सलूक किया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगलियाँ दबा ली। पारी महफिल में वो अपने को स्टार के पीछे चाकू लेकर दौड़ गए। वो अभिनेत्री थी बीते जमाने की अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे। संजय दत्त और पद्मिनी कोल्हापुरी से जुड़ा यह किस्सा उनकी फिल्म विधाता की लॉन्च पार्टी के दौरान का है। विधाता की इस लॉन्च पार्टी में फिल्म की कास्ट के साथ ही बॉलीवुड के कई बड़े सितारे मौजूद थे। सब पहुंच गए थे लेकिन संजय दत्त लेट हो गए थे। सभी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब संजय पहुंचे तो वह मौजूद लोगों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। के मुताबिक जब संजय पार्टी में पहुंचे तो वह शराब के नशे में धुत थे। इसी बीच संजय दत्त के हाथ में कहीं से चाकू आ गया। चाकू हाथ में थामे वह पद्मिनी कोल्हापुरी से मिलने पहुंचे, लेकिन हाथों में चाकू देखकर एक्ट्रेस डर गई और भागने लगी। संजय को समझ नहीं पाए और उनके पीछे भागने लगे और इस तरह पार्टी में अफरा तफरी सी मच गई। इस बात की खबर जब संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को लगी तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने संजय दत्त की नशे की आदत को छुड़वाने के लिए उन्हें रिहाई सेंटर भेजने का फैसला किया।